अबू जी समा सटा डॉक्टर कदीर रोड पे आज हम लोगों ने एक मेहनत कश भाई को देखा है, तो आइए आपको भी मिलवाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अच्छा माशाल्लाह, यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं भाई जान? चिप्स का काम कर रहा हूँ। अच्छा चिप्स का काम कर रहे हैं भाई जान। आपको माशाल्लाह यहाँ पे काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 3-4 महीने हुए भाई। 3-4 महीने हो गए। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? 3 बेटियाँ मेरी। 3 बेटियाँ हैं। बेटा? बेटा नहीं है भाई। बेटा कोई नहीं है कमाने वाला? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताए भाई जान, आप यहाँ पे चिप्स लगा रहे हैं, इससे कितने पैसे कमा लेते हैं? बस 200-300 कमा लेते हैं। 200-300 उसमें फिर क्या क्या कैसे गुजर बसर कैसे होता है? कैसे वो असल मेरा पेशा बाजी टेलर है। टेलर जी। फिर वो आप क्यों नहीं कर रहे? मैं मजदूर हूँ, इसी वजह से ना कोई मशीन ले सकता हूँ ना मेरा कोई। पहले सीखा है? बिल्कुल। ये आपको बचपन से खाया पता नहीं था कोई हादसा या ऐसा? नहीं नहीं, ये पोलियो हुआ 6 साल की उम्र में। अच्छा जी। फिर सीखा भी सही आपने? जी 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 सीखा, लेकिन सिर्फ एक आप उसको ले नहीं पाए। जी बिल्कुल। मतलब कौन सी मशीन होती जिससे रोजगार अच्छा हो जाता? भाजी मैं लेना चाहता हूँ जोकी मशीन। जोकी मशीन? जी जी जी। अच्छा ये काम करने में आपको क्या मुश्किल होती है? भाजी ये ना खड़ा होने में ना 10-15 मिनट में खड़ा होता हूँ फिर थक जाता हूँ मैं। सही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को मशीन दी जाए, मैं अपना बैठ कर काम करूँ, मुस्तकबिल पर अपने बच्चों को बनाऊँ। सही सही। भाई जान चाहते हैं कि मेरे पास कोई जोकी मशीन होती है वो हो, मैं टेलर का काम जानता हूँ, तो फिर वो करेंगे कहाँ पे आप? मैं इसी दुकान पे करूँगा। किसकी आपकी अपनी है? नहीं है, मेरे मालिक की है। आपके मालिक की है? वो बैठने देंगे यहाँ पे आपको? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इनके मालिक जो है ना उन्होंने कहा तो फिर ये बिजली का बिल और गैस का बिल नहीं, वो कह रहे हैं हम माफ कर देंगे आपको। ये तो और अच्छी बात हो गई है, ना बिजली का बिल देना पड़ेगा ना गैस का बिल, फिर ये उनकी शॉप है उस कोने में ये भाई जान अपना काम करे, इनके मालिक ने कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाए, तो ये चाहते हैं कि चिप्स का काम जो है मेरा चलता ही रहेगा, लेकिन मैं गर्मी अच्छी सिलाई जानता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोने में लगवा दे, यहाँ पे मेरी मशीन बन जाएगी ना और खत्म बन जाएगा, तो मैं कपड़े सिल लूंगा जो बच्चे की चिप्स ले जाएगी। मैंने जी कह ये होगा कि मेरी बेटियों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा, क्योंकि बेटा भी नहीं है और ऐसे हालात में मुझे खड़े होना, वैसे इनकी हिम्मत को सलूट है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बंदों को तो हमने देखा है भाई जान भीख मांगना शुरू। नहीं बाजी मेरे को बहुत शर्म आती है और मेरा जमीर है कि मैं अपने बच्चों को अपने पैसे से पालूं, अपने हाथों से कमाई करूं, चाहे 150 हो। जी इंशाल्लाह। चाहे 150 भी हो। ये 150 में क्या बनता है बाजी? चाहे 150 भी हो, हलाल की कमाई। खानी हमने हलाल की है, अपने बाजुओं से कमा कर खानी, अपने हाथ से कमाकर खिलाऊं और हलाल। मेरी 3 बेटियां हैं, एक का नाम जारा सिराज है, दूसरे का नाम हुसना सिराज है, तीसरे का नाम रुबाब सिराज है। अच्छा माशाल्लाह। जी और मैं अपने बच्चों का ना अपने हाथों से कमाकर मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ, मैं ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। माशाल्लाह ये तो बहुत, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम आपके घर चल के ये बाकी देख सकते हैं कि आपकी बेटियां हैं या क्या हालात है? आप चेक कर लें, जितना चेक कर लें। कितने प्यारे प्यारे अबू जी माशाल्लाह इनके। हाँ जी क्यूट क्यूट, अल्लाह इनका नसीब अच्छा करे। बेटा भी कोई नहीं? हाँ जी बेटा नहीं, लेकिन इतनी शहजादियों जैसी तो आपकी माशाल्लाह बेटियाँ, इतनी मेहनत करने वाले आपके माशाल्लाह मियाँ हैं, तो आइए इनके अब जी घर चलते हैं, घर देखते हैं इनके। मियाँ तो मेरा छोटे मजदूर बंदे, बच्चे तो मेरे छोटे छोटे रखे, इन्हें पालने ना माँ पी लेते रहते, कौन पाले? मैं किसी के घर काम करती हूँ, किसी के घर काम करती हूँ, किसी के घर काम करती हूँ। अच्छा क्या काम करती है बाजी? टाके लगाती हूँ, सफाई करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। टाके भी लगाती है, सफाई भी करती है, बर्तन भी धोती हूँ, उसके कपड़े शपड़े भी धोती हूँ। मेहनत से कमा कर अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। सिर्फ 150 की खातिर आप इस माजूरी में ठहरे रहते हैं? कोई बात नहीं है बाजी, मांगने से तो अच्छा है ना 150। माशाल्लाह मांगने से तो 150 लाख अच्छा है। तो अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन बाप को, अल्लाह ताला ऐसा बाप ही सबको दे, अल्लाह ताला इनको इन बच्चियों के सर पे सलामत रखे, आमीन। तो भाईजान दुखी नहीं हो, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह बहुत दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे इंशाल्लाह। हम इनके लिए कुछ खास करते हैं ताकि इनका ना रोज़गार अच्छा। 150 में क्या बनता है अबू जी आजकल? तो अबू जी हम लोग भाईजान को देख के आए हैं चिप्स वाली रेड़ी पे, सिर्फ 150 की खातिर 8-6 घंटे काम करते हैं और सिर्फ 150 मिलता है, क्योंकि वो रेड़ी भी अपनी नहीं है। तो भाईजान को क्यों ना चिप्स वाला अपना सेटअप करा दें? भाईजान हम आपको अपना सेटअप करा दें चिप्स वाला? नहीं बाजी मैंने लेनी है मशीन, जो की मशीन आती है। जो की मशीन? वो कौन सी मशीन होती है? वो है बड़ी मशीन। किस चीज की होती है वो? सिलाई वाली मशीन। उससे सिलाई होती है? जी, जी, जी।
अच्छा, क्योंकि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ, मैं किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता। हाँ जी, अपने पाँव पे खड़ा होना, अपने पाँव पे माशाल्लाह खड़े होना चाहते हो। कहते हैं कि मैं माजूर हूँ ना, मैं खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं थक जाता हूँ। हाँ, जाहिर बात है, परेशानी होती है, चलना भी बड़ा मुश्किल है भाई जान। मेहरबानी होगी, आप हमारी इमदाद कर देंगे तो। भाई जान को ले आए हैं यहाँ पर, ये सारी मशीनें पड़ी हैं, तो यहाँ पर आज भाई जान को इंशाल्लाह, जो कौन सी मशीन आप कहते हैं, जो की मशीन ना, तो इंशाल्लाह यही ठीक है ना, ये जो आप पसंद कर लें, पसंद करके जो आपको पसंद आए कि आप मशीन दे देते हैं, ठीक है ना, पसंद कर लें। कौन सी पसंद है आपको मशीन? ये वाली। चले ठीक है, ये आपको मशीन लेके देते हैं। तो कैसे महसूस कर रहे हैं भाई? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, मेरा इतना दिल खुश हो रहा है ना कि मैं लुडिया डाल लूं। आप लुडिया डाल लेंगे? हां जी, हां जी, इंशाल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आइए दिखाते हैं भाई जान का क्या सेटअप कराया है, और जितना पे इनके मालिक ने माशाल्लाह ये जो शॉप का, ये शॉप भी दिखाइएगा। इन्हें कहे कि आप एक कोने में यहां पे बैठ के चिप्स का भी जगह दी है, साथ में मशीन की भी जगह दे दी है। तो ये सूट किधर से आ गया भाई जान? ये अभी मेरे ग्राहक इंतजार में खड़े थे। अच्छा, पता था? जी जी। आप पहले सीख रहे हैं कहीं पे? मैं अपने घर करता था भाई काम। अच्छा, ये मशीन ली है अबू जी, साथ में ये कैंची ली है, और ये इनके पास कपड़े सिलने के लिए भी आ चुके हैं आपके यहाँ के लिए, और ये मोटर होती है, मोटर की तरह ये मोटर ये चला के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाजी जी, मैं बहुत 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 खुश हूँ, आज अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल बना रहा हूँ। अपनी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बच्चियों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद जिन्होंने मेरे साथ साथ दिया है, अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते मेरे लिए भेजे हैं, अल्लाह ताला उनको। पर हम गुनाहगार इंसान हैं भाई जान, कोई फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश इंसान करता है तो आगे अल्लाह ताला वसीले भी बनाता है। तो यहाँ पे स्टूल और सब कुछ सेट है भाई जान का, ये देखिए। ये अब इसको साइड, क्योंकि ये जब चिप्स की रेडी थी ना, तो इसको लेकर खड़े होना पड़ता था, ये बनी हुई है ना, तो आपको बैठ के हाँ जी, क्योंकि उनका ये देखिए वो वाला काफी भी है। कितना बता दें कि पहले आप कितना कमा रहे थे, और अगर अब आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकते हैं? नहीं बाजी, पहले मैं 150 कमाता था दिहाड़ी का, अब इंशाल्लाह मैं 1000 से 1500 अपनी दिहाड़ी निकालूंगा। माशाल्लाह, फिर और क्या चाहिए? माशाल्लाह, मैं सबसे पहले और दूसरे नंबर पे अपने मालिकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे को दुकान दी है। और हम लोगों को भी मुझे हैरानी हुई है कि उन्होंने आजकल के दौर में भी उन्होंने अपनी शॉप इन्हें दी हुई है, अल्लाह ताला उन्हें भी इसका सवाब दे, क्योंकि अगर वो शायद अगर वो ना होते, ना कर रहे होते, तो हम दुकान तो बनवा कर फिलहाल नहीं दे सकते, शायद हम भी ना सेटअप करा के दे पाते, तो उनकी मेहरबानी से इनका सेटअप भी हो गया है। तो ऊपर खुदा नीचे इंसान। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया, ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है, और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे, और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है, अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी, आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।